जमीन से जुड़े एक मामले की सुनवाई के लिए नर्मदापुरम कलेक्टर सोनिया मीना ने एडीएम डीके सिंह के हाथ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को चिट्ठी भेज दी। इससे सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के जज साहब नाराज हो गए, जिसका वीडियो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सोशल मीडिया अकाउंट पर भी डाला गया है, जो कि अब जमकर वायरल हो रहा है। जज ने एडीएम डीके सिंह पर भी नाराजगी जाहिर की। हाईकोर्ट के जस्टिस जीएस एलुवालिया ने कहा कि इनके लिए सब कुछ कलेक्टर साहब हो गए हैं। कलेक्टर के नाम की चिट्ठी लेकर आते हैं और कोर्ट में ले आते हैं। जस्टिस जीएस एलुवालिया ने कहा कि एडिशनल कलेक्टर हैं, तो उन्हें लगता है कि मेरी कलेक्टर है, ये तो कुछ भी कर सकती है, मजाक बनाकर रखा हुआ है। जब डिप्टी एडवोकेट जनरल कलेक्टर की तरफ से बात कर रहे हैं और वे पीछे खड़े होकर मुझे कलेक्टर का लेटर दिखा रहे हैं। जस्टिस एलुवालिया ने कहा कि सीधे सस्पेंड करने के निर्देश देता हूं, फिर देखता हूं कैसे सीएस उसे रिमूव करते हैं। आप लोगों के अफसर की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि आपको कुछ नहीं समझते। इस दौरान जस्टिस जीएस एलुवालिया ने कहा कि कोई भी अधिकारी अपनी बात सरकारी वकील के जरिए कोर्ट में रख सकता है, इस तरह सीधे जज को चिट्ठी नहीं भेज सकता। आपको बता दें कि नर्मदापुरम कलेक्टर सोनिया मीना ने जमीन से जुड़े एक मामले की सुनवाई के लिए एडीएम के हाथों सीधे हाईकोर्ट के जज के नाम एक चिट्ठी भेज दी थी। इसी पर हाईकोर्ट के जज नाराज हो गए। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के जज ने नर्मदापुरम कलेक्टर के इस रवैये पर उनके खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही। हाई कोर्ट ने कलेक्टर पर कार्रवाई को लेकर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील के नितिन अग्रवाल और प्रदीप अग्रवाल के बीच जमीन से जुड़ा विवाद चल रहा था। विवाद नहीं सुलझने पर प्रदीप अग्रवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट के जस्टिस जीएस एलुवालिया ने नामांतरण की प्रक्रिया नए सिरे से करने के आदेश दिए थे। पूरे मामले में नामांतरण की कार्रवाई न करते हुए सिवनी मालवा के तहसीलदार राकेश खजूरिया ने दूसरे पक्ष के नितिन अग्रवाल से बंटवारे का आवेदन रिकॉर्ड में लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी थी। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद नामांतरण न कराते हुए बंटवारे की प्रक्रिया चालू करने पर प्रदीप अग्रवाल ने रिविजन आवेदन अपर कलेक्टर को सौंपा था। वहीं तहसीलदार की कार्रवाई को हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन माना था, लेकिन अपर कलेक्टर ने तहसीलदार की कार्रवाई को सही माना। इसके बाद फरियादी दोबारा हाईकोर्ट पहुंच गया। इस मामले में हाईकोर्ट ने शुक्रवार को नर्मदापुरम कलेक्टर को उपस्थित होकर जमीन के पूरे मामले की कार्रवाई समझाने को कहा था। अब बोलते बंद मत करके खड़े रहिएगा। अपने ऑफिस में बैठ के हाईकोर्ट के आदेशों की चिंदी चिंदी फाड़ के फेंकना, तब तो बड़ा मजा आता है। आपका निवेदन कुछ नहीं, आप समझ लीजिए कि जो हम नहीं बोल रहे हैं वही कारण था जिस कारण से आपने ऐसा आदेश पारित किया है। और क्या नहीं बोलना चाहते हैं, कोई क्षमा नहीं होगी आपको। आपको समझ में नहीं आ रहा तो रिजाइन कर दीजिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है लोगों के हितों के ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं, तो अभी रिजाइन करके जाइए यहीं से। हो गया सर, मैं कलेक्टर साहब को आदेश दे रहा हूं कि वो एक्शन लेंगे आपके खिलाफ। मुझे तो जो लिखना वो तो मैं लिखूंगा। मैंने तो ये पूछा कि आपको क्या समझ में आया था, आप कहते मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो आपसे आगे पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। आ जाइए एडिशनल जी, आपको तो अंग्रेजी आती है। आती है? अच्छा, आप तो अपीलेट कोर्ट हैं। एक अपीलेट कोर्ट के क्या कर्तव्य होते हैं? पुनरीक्षा नहीं, या जो भी था उसमें क्या क्या आपके कर्तव्य हैं? उसने यही उल्लेख किया कि माननीय उच्च न्यायालय के आपके क्या कर्तव्य हैं? उल्लेख तो मैंने पढ़ लिया, अंधा नहीं हूं। आपके क्या कर्तव्य हैं एक पुनरीक्षण न्यायालय या एक अपीलीय न्यायालय के रूप में? दो लाइन का आदेश करना, ये आपका कर्तव्य है, ये सिखाया है आपको, तो हाँ या ना बताइए। परीक्षण करके किस तरीके से उसका निर्धारण करना?
अरे छोड़ो विधि विधि, आप लोगों को विधि कुछ नहीं मालूम, आपको शासन ने क्या सिखाया उतना बताओ। शासन ने क्या सिखाया उसको बताओ। सुप्रीम कोर्ट का तो खैर, अब आप लोगों को तो क्या मतलब है सर, आप लोग तो एलियन हैं इस देश के, जिसका सुप्रीम कोर्ट का तो कोई असर ही नहीं होता आप लोगों पे। आपको शासन ने क्या सिखाया है कि अगर कोई अपील प्रस्तुत होती है तो उसका निर्धारण कैसे करना है, ये आपको शासन ने क्या सिखाया है? अपने आदेश इतना ही लिखा कि माननीय उच्च आपको न्यायालय क्या सिखाया गया है कैसे निराकरण करना? कैसे निराकरण करना, बस ये पूछ रहा हूं। न्याय संगत क्या होता है तो उसका तात्पर्य बताएं। उसमें से तथ्य है जो जो तर्क है और जो उसके विरोध में तर्क है उनका परीक्षण करना। परीक्षण करने का मतलब क्या होता है? स्वेच्छाधारिता होती है परीक्षण, क्या मतलब होता है बताइए। मिस्टर कि माननीय उच्च न्यायालय क्या डोंट ट्राई टू मिसलीड द कोर्ट, आदेश अभी मैंने लिखा नहीं है, ठीक है ना? आप अपने जाल में और उलझना चाहते हैं तो उलझते जाए, मैं सब लिखने वाला हूं। ये आपसे पूछा जा रहा है और आपको बार बार उसको अवॉइड कर रहे हो। आखिरी बार पूछ रहा हूं, एक अपील का निर्धारण करने के लिए आपको उसमें क्या क्या देखना है और क्या क्या लिखना है? प्रस्तुत किया गया उसका परीक्षण हो गया अपने परीक्षण का मतलब एक लाइन के विस्तार में क्यों नहीं किया? क्योंकि तहसीलदार ने आपको आपका मुंह बंद कर दिया था, आपकी आंख बंद, चुप रहिए, आपका मुंह बंद कर दिया था, आपकी आंख बंद कर दी थी, आपकी कलम रोक दी थी। क्या ये कारण था, या पक्षकार ने आपका मुंह कलम और आंख बंद कर दी थी, या आपको कानून नहीं मालूम है और यह कानून मानते हुए भी आप उसको जानबूझ के उसका उल्लंघन कर रहे थे? ये चार ऑप्शंस हैं आपके पास, अब इन चारों ऑप्शंस में बताइए कि कौन सा सही है। क्यों लिए किया है कि कोई भी डिले ना हो, चूंकि हमें हम आपको अपने क्या लिखा गया था कि एक दिन के अंदर निर्धारित करें? निर्धारण नहीं किया, अग्रह किया, क्योंकि अगर हम ट्राई कर लेते तो कम से कम 6 महीने तो और डिले आपको होता। क्या तकलीफ थी इतनी जल्दी क्या थी पक्षकारों के हितों के ऊपर कुठाराघात करने की? दे माननीय उच्च न्यायालय ने 29/2 के पहले इनका निराकरण करने का स्पष्ट आदेश दिया हुआ, इसके उसमें नहीं किया था। आपको आपका आदेश किस तारीख का है और है? 18/4/24 18/4/24 का है, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया आपके हिसाब से कि किस तारीख तक निर्धारण करना है? उच्च न्यायालय का आदेश था, तहसीलदार के लिए था, आपके लिए था क्या? नहीं था। चलिए, उच्च न्यायालय ने तहसीलदार को कितने समय तक निर्धार, आप अपने आप को अभी भी तहसीलदार मान रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है सर, भाई साहब बहुत अच्छी बात है कि आप अपने आप को अभी भी तहसीलदार के स्तर के ऊपर नहीं उठ पाए हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात। फरवरी 2024 तक आप तहसीलदार को डिसाइड करनी थी एप्लीकेशन, राइट? आपने आपका आदेश किस तारीख का है? 18/4/24 18/4 का, अच्छा। और तहसीलदार का आदेश किस तारीख का है? तहसीलदार 24 है ने तो फरवरी पर कर दिया था, सर। अब आपके हिसाब से भी 1.5 महीना ऊपर हो चुका था, आपके हिसाब से भी 1.5 महीना ऊपर हो चुका मेरे था। यहाँ से भी आज का 21/4 को आई थी। कोई बात नहीं, 21/4 को आपकी याचिका आई थी आपके पास, 18/4 को तो आपने खारिज कर दी, 21 को कहाँ से आ जाएगी? आपका तीसरा आदमी दिख नहीं रहा है अभी, एक मिनट एक मिनट, इनको पहले इनकी तो लीपा पोती देखो। 26/3 कहते 26/3 की आ गई थी और आपको बहुत चिंता थी हाई कोर्ट के द्वारा
तहसीलदार के लिए समय की जो सीमा निर्धारित की गई थी उसकी आपको बहुत चिंता थी, तो 26 दिन की फाइलिंग आपने 18-4 को ली। 18 और 4 दिन, 22 दिन के बाद आपने ली, तो ये घड़ियाली आंसू क्यों रो रहे हो? साहब हम तो अभी भी तहसीलदार के स्तर से उठे नहीं है। हाँ, आपका तो ये कहना है ना, हम तो अभी भी तहसीलदार के स्तर से उठे नहीं हैं। जो आदेश तहसीलदार के लिए था वो मैंने अपने ऊपर भी बंधनकारी माना। तो 18 26 दिन की अपील रिवीजन जो भी है, रिवीजन आई, आपने 18-4 को ली, और 18-4 को 1 घंटा आदेश करने के बजाय 1 मिनट में कर दिया। ठीक है, और कुछ कहना है? अच्छा, मैंने आपको 4 ऑप्शंस दिए थे, आपके आंख नाक कान सब बंद किए गए थे, नहीं किए गए थे, तहसीलदार ने नहीं किए थे। अरे, मेरा पहला ऑप्शन था क्या, तहसीलदार के कहने पे किया आपने? मेरा सर हाँ या ना, नहीं, बस बिल्कुल नहीं सर, हाँ या ना पहले नहीं बताए, सर, नहीं, पक्षकार के कहने पे किया, कानून नहीं कार के नहीं की अज्ञानता के करके किया, सर, और या फिर आपको लगा था कि साहब मुझे और या फिर आदेश समझ ना आने के कारण नहीं किया? सर, ये समझ में आया था, केवल बस हो आपको। गया, आपको आदेश समझ में आ गया था, शासन ने आपको बताया है कि विस्तार में आदर होना चाहिए, परंतु आपने ये सोचा कि हाई कोर्ट ने फरवरी 2024 के लिए तहसीलदार को आदेश दिया था, मैं 22 दिन से फाइल रख के बैठा हूं, मुझे आधा घंटा भी नहीं देना। चलिए ठीक, हाँ, कहाँ है आपका कलेक्टर, बैठ जाइए सर आप लोग। थैंक यू, नाउ आई विल टॉक टू योर कलेक्टर ओनली। For that matter, I am tendering an unconditional apology. For What has what, sir? happened, what has happened, Marot, in Narmadapuram district, Marot? One huge mela, namely Nagdwari mela, is to be scheduled, Marot, in which Marot, due to heavy rainfall and landslide, Marot, on 24th, Marot, even one government vehicle, Gypsy, has been roped from that area, Marot. दिखाई वो exemption application के साथ नहीं, आप बहुत बता दो ना क्या उसमें सर क्या अच्छा हुआ कि 24 तारीख कलेक्टर साहब के आप जो वो दूध बन के आए हैं। उसमें वाह 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 वाह, वेरी गुड। क्या क्या क्या, क्या कागज लेके आए आप, दो ना नहीं सर वो एडिशनल जी, ये आप लिफाफा कुछ दिखा रहे हैं ना? अरे सर वो मैंने आप दिखाइए तो, दीजिए लिफाफा मेरे को, ऊपर से वहां से फहराते हुए चले जा रहे हैं। Is tried to explain about that How can he write a letter directly to me? but that that's How can he write a letter directly to me? but that that And how can he give the letter directly to me? that's Call your collector to remain present at 4 p.m. How can he write a letter directly to me? No, Marat, that's why we Is it not a letter addressed to me? Marat, what is it not a letter addressed to me? It has been whether it Whether your additional collector was showing this letter, was bringing this envelope, ऐसे ऐसे करते चले आ रहे थे। नहीं सर वो सॉरी सर, इसलिए हमने उसको 2213/2024, क्या नाम है आपके मिस्टर? दोनों आइएगा, मरट मरट वन थिंग मरट, आपके कलेक्टर ने साइन किया हुआ है, ये बहुत ज्यादा बड़े हुए हैं। फाइन, नो प्रॉब्लम मिस्टर एडिशनल कलेक्टर, व्हाट इज योर नेम? है देवेंद्र कुमार सिंह, एडिशनल कलेक्टर भोपाल, और आपका क्या नाम है? नर्मदापुर, आपका क्या नाम है? राकेश खजूरिया, तहसीलदार सिवनी मालवा, नर्मदापुर, आई प्रेजेंट इन पर्सन इन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर डेटेड, कल का लिख दीजिएगा, 25/7/2024। द रीजंस असाइंड बाय the additional collector as well as tehsildar in misconstruing the order passed by this court were heard when Shri Swapnil Gangoli was making verbal submissions seeking exemption of collector Narmadapuram from personal appearance, pointing out a certain natural calamities which requires his presence on the spot, comma Shri so and so additional collector who was requested to sit and had also taken his stand on the bench all of a sudden stood up and started showing a brown envelope. Accordingly, he was directed to supply the said envelope to the court.
police stop. Shri so and so gave that envelope to Shri Swapnil Gangali, whereas therefore he was directed to give it to the court. This envelope contains a letter written by collector Narmadapuram directly to the court seeking exemption from personal appearance. This conduct of collector Narmadapuram is unpardonable. Once the counsel for the state was representing the collector Narmadapuram and was making submissions for his exemption on the ground of certain ground realities, then the conduct of the additional collector by waving the brown envelope in the court containing the application letter written to the court directly seeking personal exemption cannot be tolerated. Accordingly, whatever the reasons for absence of the collector Narmadapuram may be, he is directed to remain personally present before this court at 4 p.m. to explain his conduct by writing a letter directly to this court, which was shown by, which was being waived by the additional collector in the open court. Police stop. Call at 4 p.m. The letter written by collector Narmadapuram directly to this court is made up, is taken on record, and it is made a part of the record. इसको लगाओ, इसको सील करो, तो लगाओ। इन लोगों को, आप लोगों की, देखिए खुला हुआ है, गांगुली जी, आप लोगों ने देख लिया होगा। सुन लीजिए, मैंने फोन सुन लीजिए, फिर मैंने सुन जब लेके आया तो मैंने सुन लीजिए, आप लोगों ने देख भी लिया होगा, क्योंकि खुला हुआ है, कलेक्टर ऐसे फाड़ के तो भेजेगा नहीं, नहीं वो देखा मैंने, आपने कहा होगा कि इसको मत देना, मैंने इसलिए आपने कहा होगा इसको मत देना, प्रयास कर रहे जो आपको कुछ नहीं समझते है। आपका कलेक्टर संस्था मेरा एडिशनल कलेक्टर सफिशियंट है जस्ट निपटने के लिए, ठीक है, आपके इंस्ट्रक्शन के बावजूद भी पीछे खड़े होके लेते हुए चले आ रहे हैं ऐसे करते करते। परंतु अधिकारियों को भी कानून के दायरे में रह के रहने की निर्देश देता है, उसके बावजूद भी इनकी स्वेच्छाधारिता आसमान को छू रही है। कलेक्टर समझता है कि मेरा एडिशनल कलेक्टर जाएगा तो कोर्ट को देगा, कोर्ट नतमस्तक हो जाएगी। नहीं सर ये, अरे अरे भाई साहब, ये थाना नहीं है सर। स्वप्निल जी आपको एग्रीव्ड होना चाहिए था। नहीं सर वो तो आपको एग्रीव्ड होना चाहिए था कि ये अफसर इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि आपको कुछ नहीं मानते। यू आर मेकिंग वर पर्सनल सबमिशंस। अब आपने किसी धार्मिक आयोजन की बात की, बिल्कुल राइट, देन सर उसमें सर सुनिए सुनिए आने वाले हैं और भी 10 लाख लोग आए, इसका क्या मतलब है कि कलेक्टर हमको डायरेक्ट एप्लीकेशन भेजेगा? नहीं सर वो मिस्टर गांगुली अगर दैट शुड नॉट हैव बीन डन, दैट गुलाटी साहब का पक्षकार, अभी मैंने तहसीलदार को क्या पूछा था, पक्षकार आया था आपके पास क्या? एडिशनल कलेक्टर को क्या पूछा, पक्षकार आया था आपके जवान बंद करने? नहीं सर, आप क्या अपने आपको पक्षकार नहीं मानते हो? Keep him present, otherwise I will issue a warrant of arrest against him. So type कीजिए और upload कर दीजिए। जी सर, item number 151, नहीं आए हैं? आए या ना? ना। सर सर एक मिनट। सर एक्चुअली क्या है कि जो नागद्वारा का जो मेला लगता था वो 15 किलोमीटर का ऐसा ट्रैक है, इसमें नीचे जाना पड़ता है और ये जो धूपगढ़ से ये 15 किलोमीटर डाउन द बॉटम नीचे जाना है और ऊपर आना है। तो सर मैंने खुद ट्राई किया मोबाइल में, सही बात, एडीएम यहाँ थे, उन्होंने ट्राई किया, उनके ऑफिस में सर हम आपको उनका रिप्रेजेंटेटिव मान के उनकी एग्जेम्प्ट कर देते हैं। अब आप इसको जस्टिफाई करिए कि हाउ अ कलेक्टर कैन राइट अ लेटर डायरेक्टली टू द कोर्ट,
मुझे उनकी शक्ल देखने से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है. इफ ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू अवेल द अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, नो डिफिकल्टी. कोई कंटेम्प्ट तो है नहीं कि मैं उनके खिलाफ वारंट इश्यू कर दूं, है ना. मैंने उनको मौका देने के लिए बुलाया, उनका कहना था कि हम नहीं आ पा रहे, मत आइए. दो चीजें, अरे मेरे भाई, मैं कहना चाह रहा था, सुनिए सुनिए सुनिए, मैं कोएर्सिव स्टेप क्यों लूं, मैं कोएर्सिव स्टेप क्यों लूं उनके खिलाफ. तो यही कि वो मेरे कहने पे नहीं आए, इसलिए कैसे ले लूं भाई. अब आप उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपने कहा उनको एग्जाम्ट कर दो, कर दिया सर, कर दिया. मंडे 10:30 लेना सर. नहीं, अब नहीं चाहिए मुझे वो कलेक्टर. क्यों चाहिए सर? एक तरफ नेचुरल कैलामिटीज है, लोग जी रहे हैं, मर रहे हैं, 10 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठी होने वाली है. और फिर अगर कल को कुछ हो गया तो कहेंगे हाईकोर्ट में गया था सर, मैं क्या करता, मैं रहता तो मैं तो एक आदमी ना मरने देता. छोड़िए, you are representing the state for the state. This is the part of the state government. She's lady Manod, and might be lady, hardly matters. General Clauses Act, he can be read as she and she can be read as he, right? No problem, sir. अगर मुझे लगता कि वो she is avoiding the appearance, तो फिर हम अलग से देखते. हमने मान लिया आपकी बात कि साहब वो प्रॉब्लम है, बात नहीं हो पा रही है. अब वो हाई कोर्ट के एजी ऑफिस से हम तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता ना. एजी ऑफिस तो एजी ऑफिस ही है, कलेक्टर वलेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता है. अब आप मुझे इतना बताइए, हाउ द कलेक्टर कैन राइट अ लेटर डायरेक्टेड टू द डायरेक्टली टू द जज ऑफ द हाई कोर्ट? दैट कांट बी डन मैटर. सो हमने वो ऐसा नहीं करना था, उसको हम एग्जम्पशन हम बना. नहीं सर, आई एम डायरेक्टिंग द सीएस टू कंडक्ट एन इंक्वायरी whether a collector can write a letter directly to the CS. Explain that. Should go through Prof. Kenneth Mallard. How dare he could write a letter directly to me in that case where which is pending? उस आदमी की या उस लेडी की अपीयरेंस का ऑर्डर था, and she was trying to win over the court. Her position was that of a client only, nothing more, nothing less. Definitely, Mallard. But she has tried to explain whatever the but aap logo ko aap log sun lijiye how she can send a letter directly to the court. I have not spoken a single word, I did not speak a single word when you were trying to explain her non appearance. Whether I interfered at that time, aapka additional collector usko lagta tha ki meri collector hai, ye to kuch bhi kar sakti hai. He started waving that letter while he was sitting on the bench. सर, सुबह देख के मैंने उसको मना किया. अगर आपका एडिशनल कलेक्टर को नजर में आपकी कोई अहमियत नहीं है, are you ashamed of that? सर, that impression which the AG office is having in the eyes of these persons? They don't know the procedure. They don't know the procedure. तो मेरे को यह लेटर दिखाएंगे? नहीं, नहीं, इसलिए मैंने IA move. I will pass a letter and I will direct the suspension of these two officers. मजाक में रहकर रखा हुआ है. जब डिप्टी एडवोकेट जनरल कलेक्टर के बिहाफ के ऊपर एग्जम्पशन के लिए प्लीट कर रहा है, वो पीछे खड़े होकर मुझे कलेक्टर का ऑर्डर दिखा रहा है, लेटर दिखा रहा है. आई विल प्लेस हिम अंडर सस्पेंशन. देखता हूं कि कैसे सीएस उसको रिवोक करता है. आप लोगों के अफसरों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि आपको कुछ नहीं समझते, और आपका एडिशनल कलेक्टर कहता है कि अगर हाईकोर्ट जज को कलेक्टर ने लेटर लिख दिया है तो हाईकोर्ट जज तो बेल्स हो गया. ऐसे हिम्मत है हाईकोर्ट जज की, देखते हैं. समझ नहीं पाया था कि वो मतलब एक तरीके मिस्टर मत करिए डिफेंड. वो समझ नहीं पाया था. I am writing this observation that this is the submission of the deputy advocate general. कि उसको समझ में नहीं आता है. नहीं, ना तो उस आदमी को अपील, ना तो उस सज्जन को अपील डिसाइड करते समय कानून समझ में आता है, ना उस सज्जन को डिप्टी एडवोकेट जनरल के इंस्ट्रक्शन समझ में आते हैं, ना उस सज्जन को हाईकोर्ट का प्रोटोकॉल है ये समझ में आता है, ना उस सज्जन को हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे चलते हुए इंटरफेयर करने में डर लगता है. ऐसे आदमी को आप क्या यहाँ पे रखेंगे? मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डिफेंड नहीं करेंगे आप, रखेंगे ये बताइए मेरे को. आपने कहा, उसने कहा कि ये मुझे रीजंस लिखने थे और मुझे हाई कोर्ट का ऑर्डर समझ में नहीं आया क्योंकि मैं तो अपने आप को तहसीलदार समझ रहा था. इन दोनों फिर एक्सप्लेनेशन में देख चुका था.
सुन चुका था। उसके बाद जब हमने पूछा कि कलेक्टर आए क्या, फिर आपने कहा, क्योंकि मैं ये सारी बातें इनकी इनके मुंह से इनके कलेक्टर के सामने कहलवाना चाहता था। ठीक है, आपने कलेक्टर कहा कि सर ये प्रॉब्लम चल रही है वहां पे, आई कुड अंडरस्टैंड कि भाई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, फील्ड के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है, कलेक्टर की प्रेजेंस जरूरी है। ये पीछे से लेटर दिखा रहे हैं मेरे को, मजे लीजिए सर। यस मिस्टर वाई, यू शुड नॉट बी पुट अंडर सस्पेंशन डायरेक्टली बाय दिस कोर्ट, प्लीज कम फॉरवर्ड सर। Why I should not direct for your suspension immediately? मैं मत समा मांगिए सर, आप लोगों की अकड़ जरूरत से ज्यादा बड़ी हुई है। पहली बार अपीयर हुए, मुझे लगा कि हम जो चीज हमको दिया गया देना तो हम, हाँ कलेक्टर ने दिया है ना, हाईकोर्ट जज को तो मैं जाकर देख के आऊंगा, वट एवर इट इज। आपने सुबह इनको दिखा चुके थे, आप सुबह इनको दिखा चुके थे। नहीं नहीं नहीं, आई विल डायरेक्ट इट फॉर हिज सस्पेंशन। मैं जरा डिटेल्ड ऑर्डर आएगा, हो सकता है ये कल ऑर्डर आए। वाह, और तहसीलदार के खिलाफ सीएस को इंक्वायरी का ऑर्डर करूंगा मैं। नहीं नहीं नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू। आपको बताना था आपका, ये मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, मैं समझ नहीं पाया था। मैं तो गंगुली साहब को फिर से दिखा रहा था कि सर आपने गलत मेरे को मना कर दिया। मुझे मुझे 4:30 तक बताइए, मुझे 4:30 तक बताइए प्लीज। यू कैन लीव द कोर्ट एंड यूटिलाइज दिस 23 मिनट्स, अदरवाइज आई विल डायरेक्ट फॉर प्लेसिंग यू अंडर सस्पेंशन। क्योंकि इन्होंने जो किया है वो कोर्ट के अंदर किया है, और वो जो सीएस जो है उसके लिए वो कोई कुछ नहीं जाएगा, कोर्ट के अंदर की प्रोसेस। जय श्री महाकाल भाइयों, आप सभी को बड़े ही हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि निरंतर दूसरे वर्ष भी बाबा महाकाल की भव्य शाही सवारी सिवनी मालवा में निकलने जा रही है, जो कि 5 अगस्त दिन सोमवार को शाम 4 बजे बाबा विश्वनाथ धाम गायत्री मंदिर के सामने राही चौक सिवनी मालवा से प्रारंभ होगी, और बड़े ही धूमधाम के साथ नाचते गाते महाकाल सरकार के जयकारों के साथ नगर भ्रमण करते हुए वापस बाबा विश्वनाथ धाम गायत्री मंदिर के सामने पहुंचेगी, जिसमें आप सभी बाबा महाकाल के भक्तों की उपस्थिति अनिवार्य है। इस भव्य शिव पालकी का आयोजक समस्त हिंदू समाज एवं श्री माता महाकाली महोत्सव समिति राही चौक सिवनी मालवा है। तो अपने कीमती समय में से थोड़ा वक्त निकाल कर आइएगा जरूर, और हम सबके अपने आयोजन को सफल बनाइएगा। जय श्री महाकाल।